हेलो एवरीवन माय नेम इज एक्शा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो सी मेरी ट्वेंटी एग्जाम्स ओनली 45 टू 50 डेज आर लेफ्ट एंड मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ आई नो य टाइम इज़ वेरी क्रिशल सो दिस वीडियो विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो सो प्लीज़ वॉच टिल एंड ओके सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो 45 फाइव टू फिफ्टी डेज का टाइम होता है ना ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है दैट मीन्स ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है पढ़ाई के लिए और ये वो वाला टाइम भी नहीं है जहाँ पर आप पैनिक करो या फ्रीक आउट करो कि यार इतना कम वक्त बचा है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने भी कुछ तो पढ़ाई की होगी ऐसा नहीं हो सकता हाँ हो सकता है कि जो स्टडीज हैं वो आप तो दिमाग नहीं हो बट पढ़ाई सब ने की होंगी कोर्स सबने कंप्लीट कर लिया होगा हो सकता है रिवीजन प्रॉपर तरीके से ना हो तो रिलैक्स अभी भी आपके पास 45 फाइव टू फिफ्टी डेज है और इसमें आराम से दो बार पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है सो फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज़ दैट कि ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मतलब सिर्फ इतना डेढ़ महीना बचा है और ये ये टाइम भी इनफ है इट्स इनफ अगर अभी तक आपकी पढ़ाई ठीक ठाक थी, थी या बहुत अच्छी नहीं भी थी तो अभी जो है आपको अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी अपना फोकस आपको और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और पढ़ाई में और ज़्यादा अब सीरियसली आपको पढ़ाई को लेना पड़ेगा ठीक है बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू फीक आउट टू पैनिक जस्ट काम योर सेल्फ एंड अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो ओके सो सेकेंड थिंग इज दैट कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो बहुत सारे थाट्स हमारे माइंड में आते हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसमें सबसे कॉमन ये होता है कि पास्ट के थाट्स हमें ज़्यादा परेशान करते हैं स्पेशली जब हम इससे पिछले बार अटैम्प्ट दे चुके हैं एंड दिस इज़ आर लाइक सेकेंड और मल्टीपल अटैम्प्ट ठीक है तो उस टाइम पर हमारे पास आ, पिछले अटैम्प्ट के जो चीज़ें हैं वो वापस से हमें याद आने लगती है यार, आ, पिछली बार पेपर टफ़ आ गया था मेरा रिविज़न अच्छे से नहीं हुआ था मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी ये ऐसे थाट्स मुझे भी आते थे तो इस तरह के थाट्स आते हैं तो उस पॉइंट पर आपको क्या सोचना चाहिए कि पास्ट जो है वो हो चुका है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है उस समय जो भी हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं था आपके कंट्रोल में है प्रेजेंट और जिस टाइम पर आप ये सब सोच रहे होंगे और ये सब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे उतने में बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे और आपसे और दो कदम आगे निकल जाएंगे पढ़ाई में तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको वो पास्ट के थॉट्स को याद करके टाइम वेस्ट करना है या फिर अभी प्रेजेंट में अच्छे से अपना हंड्रेड परसेंट देना है ठीक है जब हम हम अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं ना तो रिज़ल्ट चाहे जो भी हो उसे झेलने की हिम्मत आ जाती है और अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे या किसी भी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और उस समय अगर रिजल्ट बाद में नेगेटिव आता है ना तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती है यार उस समय पढ़ाई ही नहीं करी थी जब पढ़ाई करने का टाइम था तो वो तो किया नहीं फालतू की चीज़ें हम सोचते रहे और अभी ये सामने रिज़ल्ट आ गया अब वापस से ये चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम हॉन्ट करेगी तो ये तो फिर एक लूप चलता रहेगा ये तो कभी चीज़ ख़त्म होगी ही नहीं पास्ट में जो हो गया हो जाने दो फ्यूचर में जो होगा वो हो जाएगा लेकिन आपके हाथ में जो प्रेजेंट है उसको लेकर चलो उसको पकड़ के चलो और उसमें अपना हंड्रेड परसेंट फोकस के साथ दो ओके ओके सो नेक्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड एम टॉकिंग अबाउट बोथ योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान आपको कैसे रखना है आपको प्रॉपर डाइट लेनी है और प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है एंड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन बाहर का खाना बाहर का फास्ट फूड एंड बाहर से मंगाया हुआ खाना वो हेल्दी नहीं होता है बिल्कुल भी जितना घर का खाना प्योर और हेल्दी होता है एंड आप जितना ज़्यादा अच्छी डाइट लोगे जितना ज़्यादा हेल्दी खाओगे उतना ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करोगे फॉर योर स्टडीज़ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और इस समय आपका बीमार पड़ना एंड इस समय कुछ भी ऐसी अगर आपकी प्रॉब्लम होती है बॉडी से रिलेटेड तो दैट विल कॉस्ट यू फॉर टू टू थ्री डेज और आपकी टू थ्री डेज अभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं ठीक है थेके? तो इससे अच्छा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और घर का प्योर बना हुआ खाना खाओ ओके एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो सब हो जाता है लाइफ में इतना कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओवर थिंक विल ओनली किल योर टाइम दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम और उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा एंड जब भी ओवर थिंकिंग करने लगो तो ये सोचो ये आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहा है एंड इससे इस टाइम इस पीरियड में और बच्चे होंगे जो आपसे आगे निकल जाएंगे पढ़ाई करके ठीक है तो ओवर थिंकिंग मत करो और बस पढ़ लो सब अच्छा होगा आई एम टेलिंग यू सो दी वर सम पॉइंट्स समॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज एंड इफ यू लाइक इट देट द लाइक बटन शेयर इट विथ यूर फ्रेंड जो कि मेरी थ्री एग्जाम्स आने वाले हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट